हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे सी प्रोबेबिलिटी दा नेक्स्ट। आपां देखा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट ओदे विचों असी एटलीस्ट टू वन जिहड़ा इवेंट हैगा इंडिपेंडेंट ओदे होण दी प्रोबेबिलिटी देखनी आ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट। उहनां विचों जिहड़े इंडिपेंडेंट हैगे उहनां विचों किसे एक दे होण दी प्रोबेबिलिटी देखो। लेट्स से मेरे कोल बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैगे A1 A2 A3 अप टू सोन A1। एदे होन दी प्रोबेबिलिटी हैगी P1, एदे होन दी हैगी P2, एदे होन दी हैगी P3 अप टू सोन एदे चलेगा। ते ना होन दी किन्नी हो जाएगी 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3 अप टू सोन एदे चलेगा अप टू सोन एन तक। सो एना विच्चो किसे एक इवेंट दे होन दी प्रोबेबिलिटी की होएगी 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3 अप टू सोन एदे चले जाएगा। जे मैं कहा ए जरा पी वन ना A1 दे होन दी प्रोबेबिलिटी आ, ते ना ए वाली की होगी ना होन दी यानी ऊपर बाहर आ जाएगा। एदी ए की हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 दे होन दी, ते ए चीज की होएगी एदे ना होन दी। क्लियर? 1 माइनस P1 बार ए वाली चीज हो गई, यानी मैं इदा भी लिख ही सकती हूं A1 दे ना होन दी, A2 दे ना होन दी, A3 दे ना होंगे, अब तो सोनी दी लिखी जा सकते हैं आपा, ठीक है? कि इधर रिप्रेजेंटेशन ये दी हो सकती है कि नहीं, आराम ना लो हो सकती है, क्लियर? सो इधर सी फाइंड कर दे प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे इवेंट्स विचो, एक इंडिपेंडेंट इवेंट दे ना होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਫ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਰ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ, ਇੱਕ ਏ ਸੀ ਐਂਡ ਬੀ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਫਾਇੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਆਫ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। सो इस तरीके नाल पेपर चो क्वेश्चन पुट कर सकदा, इसलिए मैं चीज लिखी हुई सी, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा होया कि किदा आया। क्लियर? डायरेक्ट वाले पेपर च पूछना, इदा बहुत सारे इवेंट दे देगा तुहानू, ठीक है? जो कोई रिवाइज जिदा कोई रिपीट हो रहा, जिदा फॉर एग्जाम्पल कोई डाइस आ जा क्वाइन आ, उहनू सुट्टिया तुसी किन्नी वारी, ठीक है? ते फिर ओहदी पावर च चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिदा मान लो किसी इवेंट दी देती प्रोबेबिलिटी सम करने होता, आपां तुसी करोगे 1 माइनस ओहदे ना होण दी, ठीक है? जो ओही तुसी प्रोसेस बार बार रिवाइज किया पावर कर दोगे, ठीक है? जिदा फॉर एग्जाम्पल डाइस नू तुसी 3 बार सुटिया या कुछ किया, पावर से चला जाना, बाकी काम ओदे रहना, ठीक है? यानी ओही बार बार रिवाइज हो रहा ना, ओहदे ना होने की उन्नी पावर चली जाएगी। ठीक है? सो क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सब तो पहला तुसी खुद ट्राई करो, सिंपल वे नाल ही हो जाएगा। फर्स्ट तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ओहदे विच कुछ रिपीटिंग नहीं है। अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार सुटिया पेयर ऑफ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग एटलीस्ट वन हैड, सिंपल तुसी सैंपल स्पेसिफिक नालो हैड हैड आ सकता, हैड टेल आ सकता, टेल हैड या फिर टेल टेल। हुन एटलीस्ट वन हैड दो भी तो आ ही सकते हैं, यानी केड़ा केड़ा होता है, एक दो तीन, यही हो सकते, 3/4 का डिफरेंस किया जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? ये सिंपल क्वेश्चन सीगा जिदे विच उन्हें पूछा होया सीगा, इको वारी ये वाला प्रोसेस होया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिदे ये सम आया, फॉर एग्जाम्पल अ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस थ्राइस सॉरी, एक डाइस नू ना 3 बार सुटिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन। ये देखो सम कितना गल्ला, ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, 3/6 दैट इज 1/3 1/2, ठीक है? किदा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होंगे डाइस से, तेरे विच ऑड नंबर केड़े केड़े हैगे ने, 1 3 एंड 5, तीन ही ऑड नंबर हैगे ने। सो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर दी आने वाली किन्नी होगी, 3/6। हुण ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट एन ऑड नंबर, कि एक ऑड नंबर ना होवे, की हो जाएगी, 1 माइनस 3/6 दैट इज अगेन 3/6 दैट इज अगेन 1/2। सो पूछा क्या उन्हें, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वन, की एक बारी ऑड नंबर आवे एटलीस्ट वन, इंडिपेंडेंट ही है सारे एक दूजे दे, की होएगा 1 माइनस, इसे मैं इवेंट नु ए नाम दे देवा, ठीक है? मान लो ए हैगा या नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है?
सिंपल और लिख लो और ना जा जे फॉर एग्जाम्पल ए जड़ी होने की प्रोबेबिलिटी पी ए ऑब्वियसली ये की है पी ए बार इतने की साडे को होएगा बार बट डाइस नु किन्नी बारी सुटिया तीन बारी सो पावर की हो जाएगा थ्री सो वन माइनस वन बाय टू की पावर की हो जाएगा थ्री दैट इज वन माइनस वन बाय एट दैट इज सेवन बाय एट आंसर आ जाएगा ऐसा करना जे बार बार इतने बंद नहीं सी एक बारी हुई सी ए वाला ए दे विच फर्क है ठीक है ऐसा असि कर सकते सम ए तो सिंपल सैंपल स्पेस तैयार होगी ना इतने तुम तीन डाइस सुटिया और नंबर किन्ने और नंबर आने किन्ने किन्नी और नंबर की प्रोबेबिलिटी औखा हो जाएगा सो जो जो इंडिपेंडेंट है सारी इवेंट आपस से सिंपली की करो एक दी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट दे देख लो ठीक है वही बार बार रिवाइज हो रहा ठीक है वन माइनस पी ए बार की पावर की आ गया बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है फाइंड आउट करने नेक्स्ट सम कर दिया फोर क्लियर हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हैपनिंग हैपन इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4 द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट हैपन इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4 ठीक है किसी भी इवेंट दे होने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.4 ते जेड़ा ए वाला कहंदा द थ्री इंडिपेंडेंट ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म इनू थ्री टाइम जेड़ा है परफॉर्म किया गया वेट ए जड़ा एक्सपेरिमेंट आ ए इंडिपेंडेंटली किन्ने वारी परफॉर्म किया गया थ्री टाइम्स ते असे की पता करना ध्यान ना समझे तो तुम्हें होर क्लियर होगा फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट हैपन एटलीस्ट वन एदे एक वारी इवेंट दे होने दी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन दी की हो जाएगी वन माइनस पी ए बार पावर किन्नी वारी ओ रिपीट होया सो इत्थे पी ए बार कढ लूंगे आराम नाल की हो जाएगा वन माइनस पॉइंट फोर ठीक है किन्ना आ जाएगा तुहाडे कोल 1 माइनस 0.4 दैट इज आएगा तुहाडे कोल 0.6 सो क्लियर इत्थे तुहाडे कोल किन्ना आ जाएगा ये 0.6 आ जाएगा सो तुम इत्थे पुट कर दो 1 माइनस 0.6 की पावर 3 तुहाडा की आ जाएगा आंसर क्लियर डायरेक्ट पेपर जिन्ना भी देके छड्डिया हो सकदा क्लियर की कीता मैं एक बार सम समझानी है तो तुम्हें बहुत क्लियर होगा तो उन्हें बोलिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इन वन ट्रायल एक बार जो है ना प्रोबेबिलिटी दसती 0.4 ये इंडिपेंडेंटली थ्री टाइम्स परफॉर्म किया गया एटलीस्ट वन उन्हें बोलिया द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट हैपन एटलीस्ट वन एक बार होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टाइम की हो गई 1 माइनस पी ए बार की पावर 3 वही रिपीट हो रहा बार बार ठीक है सारे की आपस इंडिपेंडेंट हो पावर कर दें क्लियर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट देन नेक्स्ट सम कर दें नेक्स्ट है रमेश अपेयर फॉर एन इंटरव्यू ठीक है फॉर द टू पोस्ट ए एंड बी देखो रमेश जिहड़ा अपेयर हुआ इंटरव्यू लिए दो पोस्ट लिए एक पोस्ट है ए एक है बी फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ए डिपेंड नहीं करते दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है इवेंट दोनों की है इंडिपेंडेंट समझने की कोशिश करो कहता दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए कि पोस्ट ए सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 एंड पोस्ट बी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की कितनी है 1/7 पहला इतने तक क्लियर करो रमेश जेड़ा है दो इंटरव्यू लिए अपेयर होया पोस्ट ए ते पोस्ट बी लिए दोनों जेड़िया पोस्ट है उन्होंने इवेंट की है इंडिपेंडेंट पोस्ट ए च होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 बी दे विच की है 1/7 हुण क्वेश्चन समझो उन्हें अगे की क्या फाइंड प्रोबेबिलिटी कि रमेश जिहड़ा सिलेक्टेड होवे एटलीस्ट वन पोस्ट एक पोस्ट लई एटलीस्ट वन पोस्ट होने दे लई उहदी प्रोबेबिलिटी की होएगी 1 - पी ए बार पी बी बार यही दसिया जे दो इंडिपेंडेंट इवेंट उहदे विच एटलीस्ट एक लई की हुंदा 1 - पहले इवेंट दे नाम होंदी दूसरे दे भी नाम होंदी सो बहुत ईजी है 1 - पी ए बार किदां कढ लोगे तुसीं इत्थों जे पी ए बार किन्ना होवे 1 - 1/6 यानी 6 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6 सो ये आगे 5/6 एदी पी बी बार किदां कढोगे ना होंगी 1 - 1/7 दैट इज 6/7 ठीक है सो इन्हें तुसीं मल्टीप्लाई कर लेना तुहाडा आंसर आ जाए सो थोड़ा क्लियर होया तुहानूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट दिते होन जे इंडिपेंडेंट इवेंट दिते होन तो उहदे विचों एटलीस्ट किसी एक इवेंट दे होन दी प्रोबेबिलिटी किदां पता करो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन एटलीस्ट वंस ठीक है एक बार एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट इवेंट दे होन दी प्रोबेबिलिटी जे रमेश सीगा इत्थे दो पोस्ट सी ए ते बी दो पोस्टां नहीं सीगा
ठीक है पोस्ट ए दी प्रोबेबिलिटी बी ली हूं कहता कि रमेश एटलीस्ट एक पोस्ट लिए सिलेक्ट हो गए आर सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट ठीक है सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट किसी एक पोस्ट लिए तो सिलेक्ट हो गए किसी एक दे ले जो इंडिपेंडेंट ओदे विचों किसी एक लिए पता करनी है देन वन माइनस पहले दे भी ना होंगी दूसरे दे भी ना होंगी पर जी ओही बार बार रिपीट हो रहे जिदा इच सीगा कि ओही डाइस जेड़ी है बार बार डाइस सीगी सुट्टी तीन बारी थ्राइस सीगा ओही है फिर ओदी पावर कर देना जिदा डाइस दे केस च सीगा कि डाइस नु टॉस कीता गया थ्राइस ठीक है एक दी सानू दसदी सीगी तो जेड़ा बार बार रिपीट हो रहा ओदी पावर कर देना इह सम कर लेना थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैगा ठीक है इंडिपेंडेंट इवेंट दे विचों इह है साडे सिलेबस च मेंशन हैगा सो इहनू चंगी तरह कर लेना क्वेश्चन इच बन सकदा एक दो बारी इस चीज नु रिपीट करोगे तुहानू बिल्कुल समझ आ जाएगी एक अलग तो नोट बना लेना अलग कॉन्सेप्ट एक अलग टाइप क्लियर जो थानू वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।